नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बदलते मौसम के चलते हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ही जरूरी है। इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह है डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी। आज हम बात करेंगे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में, जिन्हें डाइट में शामिल करने पर आप सेहतमंद रह पाएंगे और कई बीमारियों से बच भी सकेंगे। पहला है आंवला। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसे कई प्रकार से खाया जा सकता है। रोज सुबह आंवले का रस और शहद मिलाकर पिएं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आप आंवले की सब्जी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि आप इसे ज्यादा ना पकाएं, क्योंकि इससे इसके गुण कम होने की संभावना होती है। दूसरा है लहसुन। लहसुन का नियमित रूप से सेवन करने से संक्रमण से दूर रहने की क्षमता बढ़ जाती है। आप लहसुन को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप लहसुन को ज्यादा ना भूनें, क्योंकि इससे एलिसिन नामक कंपाउंड खत्म हो जाता है। तीसरा है अदरक। अदरक में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं और इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सर्दी खांसी के लिए सूखी अदरक बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि ये सर्दी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती है। चौथा है हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक तत्वों वाले कई सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हल्दी न सिर्फ खांसी बल्कि कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। रोजाना हल्दी का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर मौसम बदलने पर आपको अक्सर सर्दी जुकाम हो, तो ऐसे में रोजाना रात को गर्म दूध में हल्दी मिलाकर दूध पीने से मदद मिल सकती है। छठा है अनार। अनार के दानों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सकते हैं। इसलिए अनार कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की वजह से होने वाले दूसरी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अपनी रोज की डाइट में आप एक अनार जरूर खाएं। सातवां है चुकंदर। चुकंदर यानी कि बीट रूट बेहद फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस मौसम में बीट रूट को सलाद और सब्जी में खाना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। आप बीट रूट के जूस का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।